अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MTS न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद में किराए अंदाजी के ज़रिए मुंतखब मुस्तफिदीन में 11,700 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का आगाज़ किया है। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने मेडचल ज़िला के कुतुबुल्लापुर के बहादुरपल्ली के डबल बेडरूम कॉलोनी का इफ्तिताह किया, जहाँ पर 1700 मकानात हैं। इस मौके पर वज़ीर मौजूफ ने कहा कि गजुलारामा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 144 मुस्तफिदीन सनत नगर से 500, कोकटपल्ली से 500 और सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके से 200 मुस्तफिदीन का इंतखाब किया गया है। इन्होंने कहा कि मकानों का अलॉटमेंट बगैर किसी सियासी के शफाफियत के साथ किया जाएगा। पहले मरहले में 11,700 मकानात तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने मकानात की तकसीम की। मोहम्मद अली ने चंद्रायन गुट्टा और बहादुरपुरा हलकों में भी डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दीगर अवामी नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मनाज़िर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए MTS न्यूज़ नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डबल बेडरूम का प्रोग्राम रखा गया था और अल्लाह का फजल है, आज जो डबल बेडरूम बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के फारूक नगर इलाके में दिया गया है और इस प्रोग्राम में हमारे सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के MLC और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे कॉरपोरेटर्स इस प्रोग्राम में मौजूद थे और अल्लाह का एहसान है इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर फारूक नगर के अंदर 2 BHK टोटल 820 मकानात बने गए हैं। जो आज का प्रोग्राम रखा गया था ये 500 मकानात का रखा गया था, जो रैंडमली छुट्टी के ज़रिए उठाया गया, जिसको जो अलाट हुआ मकान 500 लोग को अलाटमेंट दिया गया और जो 500 लोगों को अलाटमेंट दिया गया ये पूरे सारे 500 के 500 लोग बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे। और मुझे आपसे कहते हुए आज ये भी खुशी हो रही है, जो आज मंजर इस जगह पर जो खुशी की हालत है ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे नकीब मिल्लत सदर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी मेहनत का नतीजा है, उनकी कारकर्दगी बोल सकते हैं आप, उनकी जिद्दोजहद बोल सकते हैं, उनकी दूर अंदेशी बोल सकते हैं। ये लैंड पुलिस लैंड थी और उस ज़माने के कलेक्टर और डिपार्टमेंटली ये अलाटमेंट नहीं करना चाह रहे थे लैंड, यही सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हुकूमत से लड़कर इस 7 एकड़ ज़मीन को रिलीज़ कराए और अल्हम्दुलिल्लाह 70 करोड़ रुपये गवर्नमेंट से सैंक्शन कराकर इस डबल बेडरूम को मंजूरी दिलाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह डबल बेडरूम का आज प्रोग्राम रखा गया था, आज मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें 500 मकानात दिए गए हैं। ये डबल बेडरूम की बात है, मैं तो कहूँगा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है, आज मकानात का मामला होने दीजिए या शादी मुबारक का मामला होने दीजिए या माइनॉरिटी लोन का मामला होने दीजिए या दलित बंधु का होने दीजिए या जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकल रहे हैं, वजीफ़ा होने दीजिए, राशन कार्ड होने दीजिए, महल्ले के मसाइल होने दीजिए, पहाड़ी इलाकों में गरीब लोग सस्ते ज़मीना थे उनके बस गए थे, आज आप जाके देख सकते हैं। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की किस तरीके से नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत से करोड़ों रुपये लिया गया है, आज पहाड़ों को बस्तियाँ बना चुके हैं, महल्ले बना चुके हैं, ये काम मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन कर रही है। इंशाल्लाह ताला और भी प्रोग्राम होंगे, आपके दरमियान में आऊँगा और भी बात सुनाऊँगा मैं। शुक्रिया तमाम।